प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RP स्टडी फीवर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने CET 2022 का फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, CET में सिलेक्शन लेने के बाद ही आप राजस्थान की बाकी सभी भर्तियों में जो है योग्य माने जाएंगे, उन सभी के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आज से आपकी CET 2022 की, ठीक है ना, जिन्होंने भी CET 2022 का फॉर्म अप्लाई किया है उनकी आज से क्लासेज लगने वाली हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जो राजस्थान की बाकी सभी भर्तियों में शामिल होना चाहता है, उनके लिए CET पास करना बहुत ही जरूरी है। तो क्लास को एंड तक वॉच करना है। राजस्थान जेके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला अजरा का फड़ पिछवाई। दोस्तों, अगर आपको CET में अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, CET में पास होना है, तो आज से ही आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो आपको अपना सिलेक्शन लेने के लिए, पास होने के लिए CET में अभी से मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। तो जल्दी से आंसर दीजिए, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए अजरक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। शुष्क वन संस्थान आफरी की बात हो रही है दोस्तों, जोधपुर के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है दोस्तों, मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? सभी को आंसर देना। देखिए CET के अलावा अगर आप जो है थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मेजा बांध की बात हो रही, कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर उदयपुर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। मेजा बांध की बात हो रही है और भीलवाड़ा के अंदर ये स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या फिर उदयपुर। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों, ये जो प्रश्न है राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना है। मथेरण की बात हो रही है दोस्तों, बीकानेर की यह प्रसिद्ध लोक कला कहलाती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर, बोराट, गिरवा या फिर सांगड़िया। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर बताइए। तो भाकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध या फिर जवाई बांध। करेक्ट आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा इसका। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, जल्दी से आंसर बताइए। तो बिसलपुर बांध जो है दोस्तों, बनास नदी पर बना हुआ है टोंक जिले में, ठीक है ना, टोंक जिले में ये बना हुआ है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या फिर झालावाड़। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो जिस किसी ने भी दोस्तों चौथे ऑप्शन को करेक्ट किया, उन सभी का सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? चुनाई की का जो कार्य है वो करने वाले को क्या कहा जाता है? चिम, चिक, चेजारा या फिर चिंकारो। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चुनाई का जो कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें, सी ऑप्शन चेजारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को जो है वागड़ की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, सोम या फिर जाखम। करेक्ट आंसर बताइए। कौन सी नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। तो वागड़ की जो गंगा है दोस्तों, माही नदी को बोला जाता है जो कि दक्षिणी भाग में बहती है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? खारे पानी की जो झील है इनमें से कौन सी नहीं है? सांबर, पचपदरा, कायलाना या फिर लोण करणसर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो देखिए दोस्तों, सांबर, पचपदरा और लोणकरणसर तीनों जो है खारे पानी की झील है, लेकिन जो कायलाना झील है वो आपके मीठे पानी की झील है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, तो उदयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा, डेगाना, मांडलगढ़ या फिर चौपासणी। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान, तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, डेगाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नागौर जिले के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का जो विस्तार है कौन से राज्यों तक है? राजस्थान, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। तीसरा है राजस्थान, पंजाब और चौथा ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा।
क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। थार मरुस्थल के विस्तार की बात करें दोस्तों, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा इन सभी प्रदेशों में। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, महर्षि दयानंद का सर्वगास किस स्थान पर हुआ? जयपुर, अलवर, अजमेर या फिर जोधपुर? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1875 को, ठीक है ना, 1875 को इनकी स्थापना की थी आर्य समाज की। और इनके स्वर्गवास के बारे में पूछा गया तो अजमेर जिले में दोस्तों इनका स्वर्गवास हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, खुमान रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देता, दलपत विजय, सीताराम लालस या फिर शिवचंद्र भरतिया? खुमान रासो की बात हो रही है दोस्तों, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताइए। तो दलपत विजय ने दोस्तों इसकी रचना की थी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में जो व्यापारियों का प्रमुख होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? श्रेष्ठी, कुलिक, सातवाह या फिर समाहर्ता? तो गुप्त काल में जो व्यापारियों का प्रमुख होता था दोस्तों समाहर्ता उसे बोला जाता था। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लासेज आपको आगे भी चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? करेक्ट आंसर बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जल्दी से आंसर बताइए। तो आयन मंडल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? यानी कि राजस्थान में राज्यसभा से कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 32, 10 या फिर 25? चौथा ऑप्शन है 35। राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है, राज्यसभा से कुल कितनी सीटें हैं या कि कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 10, ठीक है ना। लोकसभा से दोस्तों आपकी 25 सीटें निर्वाचित होती है, जबकि राज्यसभा के संदर्भ में पूछा जाए तो 10 सीटें आपकी राजस्थान से निर्वाचित होती है। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति के संदर्भ में बात हो रही है दोस्तों, इस किसे अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्म श्री? देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत रत्न जो है दोस्तों देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष सोनिया गांधी, मीरा कुमारी, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू? दोस्तों सीईटी के अलावा बाकी सभी कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें राजस्थान जीके, इंडिया लेवल के जीके, सभी जीके इसमें शामिल है। सीईटी को आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान जीके के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों मीरा कुमारी कहलाती है। अगला है दोस्तों, भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है? 5वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 10वीं? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है? तो 8वीं सूची के अंतर्गत दोस्तों भारत की भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? छोटी खाटू, आबानेरी, मंडोर या फिर डूंगरपुर? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चांद बावड़ी दोस्तों कहाँ पर स्थित है आपको माता आपको बताना दोस्तों, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आबानेरी जो कि दौसा के अंतर्गत आती है, यहीं पर दोस्तों चांद बावड़ी स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1191, 1526, 1192, 1527? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पानीपत के युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों, तीन इसकी लड़ाई हुई थी। प्रथम युद्ध के बारे में पूछा गया, 1526 में ये पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? राजस्थान का पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956, 2 अक्टूबर 1953, 15 अगस्त 1947 या फिर चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950? राजस्थान का जो पूर्ण एकीकरण है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल? चार ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा जल्दी से बताइए। देखिए, राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो भी निर्वाचित, तो टीकाराम पालीवाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। काजरी कहाँ पर स्थित है? जो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र है काजरी कहाँ पर स्थित है? सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। काजरी की बात हो रही है दोस्तों और ये जोधपुर के अंदर आता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र या फिर शौर्य सम्मान? भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान की बात हो रही है तो पीवीसी, ठीक है ना, जिसे हम पीवीसी कहते हैं शॉर्ट रूप में, परमवीर चक्र, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1998, 1999, 1997 या फिर 2000 ईस्वी? करेक्ट आंसर बताए क्या हो जाएगा कारगिल का युद्ध।
कारगिल के युद्ध के बारे में पूछा गया दोस्तों, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का यह है होने वाला दोस्तों अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेल से रिलेटेड प्रश्न आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंजलि भागवत कौन से खेल से संबंधित है आपको बताना है, क्रिकेट, टेबल टेनिस, निशानेबाजी या फिर बैडमिंटन। और इस प्रश्न का दोस्तों आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। वीडियो को देखने के बाद अंतिम रूप से आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देना है ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो 30 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ऐसी क्लासेज आपको चैनल पर आगे भी देखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।